बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2024 का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि कमेंट कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2024 परीक्षा का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल में आपको इस तरह से सर्च कर लेना है बीएससी स्टडी, उसके बाद इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आप सभी को नीचे की ओर आना होगा और यहां पर देखिए एडमिट कार्ड का सेक्शन में मैट्रिक इंटर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आप सभी को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की ओर आना होगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 12th रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड के सामने आपको क्लिक करना होगा, 12th वाला का, ठीक है। और वही 10th का विद्यार्थी है तो यहां पर आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए जैसे ही क्लिक करते हैं, कभी कभी साइट नहीं खुलेगा तो आपको इस तरह से रिफ्रेश कर लेना है। अब आप सभी के सामने इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगा, थोड़ा आपको रिफ्रेश करते रहना, ठीक है, कभी कभी साइट नहीं खुलेगा। उसके बाद यदि जो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे क्यों रहना है, यहां पर आप लोग अपना कॉलेज कोड को फिलअप करिए। जैसे ही आप लोग यहां पर कॉलेज कोड को यहां पर फिलअप करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका कॉलेज आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका फैकल्टी है यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है। उसके बाद अपना नाम, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग व्यू पर क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करिए, कभी कभी साइट नहीं खुल पा रहा है। चलिए इस तरह से आपको कंटिन्यू रखना है। अब आप सभी के सामने इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगा, आपको क्या करना है, नीचे क्यों आना है और यहां पर आपको टिक करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करना। अब आप सभी के सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन कार्ड जो कि यहां से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। मैट्रिक इंटर दोनों का सेम प्रोसेस है, इस तरह से आप लोग डाउनलोड करिए।